टोटली हमने 52 एकड़ का गार्डन है, बट दिखाने के लिए हाफ एन आवर का प्रोग्राम करके रखा हुआ। आपको कोई भी चीज का फोटो या वीडियो करना है तो कर सकता है, बट कोई भी चीज तोड़ना अलाउड नहीं आता। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? जयपुर। यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। यही शतावरी का प्लांट है। शतावरी मेनली फॉर द लेडीज का गायनिकल प्रॉब्लम के लिए यूजेबल होते हैं। ऐसे इरेगुलर पीरियड्स, पेन, वाइट डिस्चार्ज, यूरिनरी इन्फेक्शन, पीसीओडी प्रॉब्लम, फाइब्रॉइड प्रॉब्लम, वो सब के लिए भी शतावरी से दवाई बनाता है। शतावरी कल्प और शतावरी पाउडर वगैरह आते हैं, वो नॉर्मली लेडीज का डिलीवरी होने की बात आने मेनोपॉज टाइम में भी यूजफुल है। तो ये मेन इंग्रेडिएंट है, उसके संग अलग अलग जड़ी बूटी ऐड करके आयुर्वेद में दवाई बनाता है। आ जाए ये वाला, ये बेल जैसा है, ये अमृत का ट्रे में हमने लगा के रखा हुआ है। तो ये वाला मेनली फॉर द डेंगू फीवर, गाउटी आर्थराइटिस, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम के लिए भी एंड डायबिटिक पेशेंट के लिए भी सबसे ज्यादा यूजफुल है। यही पार्ट मेडिसिन में यूज कर देता है और थायराइड में भी ये यूज कर देता है। और ये देख लीजिए, ये फ्लावर दिख रहे हैं ना, उसको लैंड लोटस कहता है। इसको लैंड लोटस इंग्लिश में टॉर्च जिंजर प्लांट नहीं है तो थाईलैंड जिंजर भी कहता है। मेनली फॉर द हर्बल फेस पैक, फेयरनेस ऑयल वगैरह बनाने के लिए। इसे रिंगल्स से, पिंपल्स से, पिगमेंटेशन मार्क्स वगैरह आते हैं ना, उसके लिए भी सनबर्न की वजह से हमें टेनिंग आते हैं और अनट्रांसफर ब्लैकनेस वगैरह है, वो सब रिमूव करने के लिए इसमें से ऑयल यूज करते हैं। आ जाए, अश्वगंधा का प्लांट। अश्वगंधा आप लोग सुना होगा, घोड़ा का तरह एनर्जी, बॉडी ताकत बढ़ाना, मल्टी विटामिन, इम्यूनिटी पावर बढ़ाना, कैल्शियम डेफिशिएंसी का प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, पैरालिसिस एंड पार्किंसंस का प्रॉब्लम, नर्वस प्रॉब्लम, वो सब के लिए भी अश्वगंधा से दवाई बना देता है। कुछ लोग होते हैं कुछ भी खाना खा के बिल्कुल एनर्जी नहीं दिखता, यानी उदासी जैसा दिखता, वो सब प्रॉब्लम ठीक करने के लिए भी अश्वगंधा यूजफुल होता है। और ये है सफेद मुसली, लंबा लंबा सा पत्ता दिख रहा है ना, यही वाला सफेद मुसली और अश्वगंधा दोनों मिलाकर यूज करने से मेनली फॉर द हर्बल वायाग्रा के लिए, यानी सेक्सुअल पावर इंक्रीज करना, इंटरेस्टिंग टाइमिंग के लिए, जेंट्स लेडीज के लिए यूजेबल है। नॉर्मल अश्वगंधा बॉडी ताकत बढ़ाना है, ये तो सेक्सुअल स्टैमिना के लिए यूज कर देता है। ये है स्टोन लोटस कहता है, वन टाइप ऑफ ग्रास है ये वाला। मेनली फॉर द किडनी स्टोन के लिए, पथरी का प्रॉब्लम आते हैं ना, उसके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होते हैं। कितना बड़ा एमएम स्टोन है तो भी एकदम मिट्टी जैसा हमारा यूरिन से बाहर निकलेगा, दोबारा आने की चांसेस नहीं है। तो ऐसे है, मैंने तो ओनली मेन मेन इंग्रेडिएंट बोलेगा, और भी जड़ी बूटी एडेड हो जाएगा इसके संग। ओके, ये है वाइल्ड जिंजर, राइट। नॉर्मल अदरक तो आपको मालूम होते हैं, ये दूसरा वाला मेडिसिनेबल अदरक है। मेनली फॉर द गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी, इंडाइजेशन, सबको ट्रेवलिंग टाइम वोमिटिंग सेंसेशन का प्रॉब्लम आता है, अब्डोमल पेन है, नोसिया, और कुछ लोगों का बाहर के खाने की वजह से डाइजेशन प्रॉपर नहीं आता, स्टोमक पेन है, फूड पॉइजन टाइप में आता है, वो सबके लिए इसमें से दवाई बनाता है। ये हेलिकोनिया फ्लावर है, ओनली फॉर द डेकोरेशन के लिए। इंग्लिश में इसको क्राउन ऑफ गॉड कहता है। ये देखो, ये पक रही है, इसका आउटर लेयर मेनली यूजेबल होते हैं, मेनली फॉर द डायबिटीज के लिए। डायबिटीज का मेडिसिन बनाने के लिए वन इंग्रेडिएंट है, उसके संग और भी जड़ी बूटी एडेड है, वो मैं आगे इसके बारे में एक्सप्लेन कर लेंगे। ओके, ये मधुमक्खी का बॉक्सेस है, गार्डन का हर जगह में हमने इसे रखा हुआ है। गार्डन का पोलिनेशन भी हो जाएगा एंड प्योर हनी मिलते हैं, वो भी यूजफुल होता है। थोड़ा क्रश करके स्मेल कर लो, थोड़ा हल्का सा स्मेल आएगा। गरम मसाला का मसाला, हाँ। हमने गरम मसाला कैसे बनाते, इलायची लो में आ जाएगा, सर्व सुगंधी ऑल स्पाइसेस का यही वाला, इसका सीड मेनली यूज कर देते हैं। तोड़ के हमने धूप में रखे, सुखा दिया, तब हो गया काली मिर्च। पका हुआ मशीन में डाल के छिलका निकाल देते, तब हो गया सफेद मिर्च। सब एक ही है, धूप में रखे तो काला हो जाएगा, छिलका निकाल दिए तो सफेद हो जाएगा। ओनली प्रोसेस है, डिफरेंस होते हैं। और आप लोग कोई भी स्पाइसेस लेते थे, ओनली स्मेल करके नहीं लेना, क्योंकि हर स्पाइसेस का एसेंस निकालने के बाद हमें ड्राई वाला भी मिलेगा, टेस्ट करके ओरिजिनलिटी पता चल जाएगा। ओके,
Let's look at the beauty of Kerala. हाँ, यही जायफल जायफल या ये पकने के बाद अपना फट जाता है, उसका अंदर आएगा जावित्री। बिरयानी फ्लावर में डालते हैं ना, हाँ। लाल कलर में आते हैं वही वाला जावित्री हमने निकाल दिया, उसका अंदर काला शल जैसा आएगा वो है जायफल। तो यहाँ आउटर लेयर दिख रही है, थोड़ा कच्चा आम का टेस्ट आते है, इसलिए वो अचार बनाने के लिए भी यूजफुल है, क्योंकि इसको तीनों लेयर हमने यूज करेगा। आउटर लेयर है तो अचार में यूज करेगा, वो निकाल दे तो जावित्री, जावित्री निकाल दे तो जायफल आ जाता है। ये लॉन्ग का ट्री है, उसमें देखो स्मॉल स्मॉल फ्लावर्स जैसा आ जाएगा। हाँ हाँ बोलो बोलो। इसी महीने से इसका सीजन स्टार्ट हो जाएगा, इसे ग्रीन कलर का बंजो फ्लावर जैसा आएगा। वो फूल तोड़ के हमने सन शेड में रखे ड्राई किया, तब हो गया लॉन्ग। इसे हमें दांत का दर्द के लिए क्लोव ऑयल मिलता है ना, ये मशीन में डाल के ऑयल निकालने के बाद तो बाकी ड्राई वाला भी हमें मिलेगा। सबको डाउट लगता है ब्राउन कलर का लॉन्ग अच्छा लगेगा या ब्लैक कलर का लॉन्ग अच्छा लगेगा, ऐसे नहीं देखना कलर का चेंजेस है। लॉन्ग का नीचे स्टिक जैसा दिखता है उसमें थोड़ा दबा के देख लो, नहीं ये तो एक लॉन्ग खा के देख लो तो एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट आएगा। इसे हम लोग चेक करके तब तो मालूम पड़ेगा विथ ऑयल वाला है क्या, इसे हम लोग चेक करके ले सकते हैं, क्योंकि ऑयल निकालने के बाद तो वो वाला ऐसे ज्यादा दिन रख नहीं पाएगा। ये वाला अपने 10-15 साल भी रख लो बिल्कुल खराब नहीं हो जाते, दूसरा भी आ जाते, क्योंकि ये वाला ऐसे हमने ये ओरिजिनल वाला एक डालने की जगह में ऐसे ऑयल निकाला हुआ हमने 4-5 डालना पड़ता है, ऐसे डिफरेंस आएगा। और पास में भी दिखा देंगे, उसमें लगा हुआ दिखा देंगे, लगा हुआ दिख रहा है ना स्मॉल स्मॉल ग्रीन कलर का बंच ऑफ फ्लावर बीच में देखो। हाँ इलायची का प्लांट है, इलायची नीचे आ जाता है। हर प्लांट का नॉर्मली जड़ तो जमीन का अंदर ही जाएगा, इसमें दो जड़ होगा, एक जड़ नीचे जाएगा एक जड़ ऊपर आ जाता है। ऊपर वाला जड़ में से फल निकलता है, सबसे पहले इसमें सफेद कलर का फूल आएगा, वो सूखने के बाद ऐसे इलायची आ जाती है। देखो इसमें लेयर भर भर के इलायची दिख रहे हैं ना, लास्ट वाला हमने पहले तोड़ देंगे, 45 डेज के बाद आगे वाला पक गया तो वो तोड़ देते। कॉफी काली मिर्चे लौंग सब साल में एक ही बार निकालेगा, बट इलायची हम साल में 4 या 5 बार निकाल पाते, फिर भी ये महंगी क्यों दे रही है। तो बाकी हर चीज हमने सनलाइट में रखे ड्राई करेगा, ये ओनली मशीन में डालना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक ड्रायर में डाल के 55 डिग्री सेल्सियस में ड्राई करेगा। 6 या 7 किलो कच्चा इलायची डाल दिया तो 1 ही किलो सूखा वाला मिलेगा, क्योंकि इसका अंदर पूरा पानी है, ड्राई होने की वजह से वजन कम हो जाएगा, 7 kg में से 1 kg मिलेगा, इसलिए कॉस्टली लगता है। और ये एनी क्लाइमेट में भी ग्रो नहीं होता, फिलेरिया होना चाहिए एंड कोल्ड क्लाइमेट होना चाहिए, मिनिमम 17 डिग्री से लेकर मैक्सिमम 30 डिग्री सेल्सियस में फल आ जाएगा, एंड मधुमक्खी का पोलिनेशन भी मस्ट होती है, इसलिए हमने हर जगह में मधुमक्खी का बॉक्सेस भी रखा हुआ है। इंडिया में भी एक ही जगह में सबसे ज्यादा इलायची ग्रोथ होती है, ओनली केरला में भी, केरला में भी ऐसे 2 डिस्ट्रिक्ट में इलायची आ जाती है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट एंड वायनाड डिस्ट्रिक्ट में, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है। और इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में भी हर एरिया में भी इलायची ग्रो नहीं आता, ओनली मूनार टू तेकड़ी, मूनार में भी ज्यादा नहीं आता, तेकड़ी एरिया में सबसे ज्यादा इलायची का प्लांटेशन होता है। इधर का स्पेशल ऐसे है, आपने कहीं भी देखा तो वंडर मेड इलायची यानी एक्सपोर्टिंग क्वालिटी वाले इलायची का है, तो ऐसे ये भी है, साइज का भी नहीं, मेनली फॉर द टेस्ट करके देख लेना। तो आपको उधर भी इलायची मिलता है, वो इंडिया का इलायची नहीं है, वो आउट ऑफ कंट्री यानी गोटेमाला से इम्पोर्टिंग करते हैं, तो वो खोल के देखे तो उसमें कुछ नहीं आएगा, फिर भी टेस्ट भी कम होते, ये स्मॉल साइज भी है एंड ऑर्गेनिक भी आता है ना, इसलिए तो वेरी टेस्टी भी आ जाता है, इसे हमें चेक करके देख। केला का स्पेशल प्लांट है, ये स्मॉल स्मॉल लीफ वाला दिख रहे हैं ना, केला आप लोग देखा केला वाला का बाल एकदम ब्लैक दिखता है, हाँ। और कर्ली भी होते हैं एकदम ब्लैक, हमारा मेन एंड सीक्रेट यही वाला, इसके बिना हमने यह हेयर ऑयल नहीं बनाता, इसको नीलामरी कहता है, नीलामरी अलोवेरा भृंगराज जासवंद कटसेरिया, ऐसे हमने टोटली 24 इंग्रीडियंट्स एड करके हेयर ऑयल बनाते हेयर ट्रीटमेंट के लिए। ये लाइफ लॉन्ग लगाने के लिए नहीं, ओनली फॉर द 90 बार लगाना है, 90 बार आपने यूज किया इसका रिजल्ट हमें लाइफ लॉन्ग यानी 15-20 साल तक मिलते जाएगा, क्योंकि 90 एप्लीकेशन के बाद आपको उधर कौन सा ऑयल मिलता है आप लोग यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम 10 एप्लीकेशन के अंदर ही हेयर फॉल्स द्वारा एकदम स्टॉप हो जाएगा, एंड पहले हमारा बाल गिर चुका था उसी एरिया से नया नया बाल भी आना शुरू हो जाएगा, आते बाल काला बाल आएगा, थिकनेस आएगा, डेंसिटी बढ़ेगा, डेली लगाने की जरूरत नहीं। इसे कुछ लोग हम लोग है तो डेली ऑयल लगा देते, इसे डेली ऑयल लगाने वाले लोग तो डेली लगा सके, नहीं है तो हफ्ता में 2 बार करके रात को स्टैल मसाज करके रख लो, सुबह चाहिए तो वॉश कर लो, नहीं वॉश किया तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमें ज्यादा टाइम देखना अच्छा नहीं है, मिनिमम 30 मिनट्स यानी
आधा घंटा नहीं तो एक घंटा तो रखना मस्त है। उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर भी सकता है। और दूसरा भी कुछ लोगों को जल्दी सफेद बाल आ जाता है, वो भी प्रॉब्लम एकदम क्योर हो जाएगा। ऐसे डाई या कलर लगा दिया तो हमारा बाल जल्दी बाकी भी खराब हो जाता है। तो ऐसे है हमारा आते बाल भी काला हो जाएगा और ऐसे पहले हमारा हेयर का प्रॉब्लम है वो भी एकदम हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है, वो भी एकदम ठीक हो जाता है। स्टार्टिंग में मैंने दिखाया ना तो डेकोरेशन के लिए तो उल्टा ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों सेम फैमिली बट अलग अलग ब्रांच है। हमसा इत्यादि प्लांट ऐड करके मेनली फॉर द थायराइड के लिए, हाइपर एंड हाइपो से कुछ लोग होते हैं बहुत सालों से थायराइड का मेडिसिन खाता है तो उसके लिए भी यूजफुल होते हैं, क्योंकि ऐसे है ये आयुर्वेद मेडिसिन है तो जिंदगी भर मेडिसिन खाने की जरूरत है। प्रॉब्लम कंट्रोल आने के बाद हमने दवाई बंद कर सकते हैं, फिर उन्हें नॉर्मल डाइट फॉलो करना। रुद्राक्ष सबसे ज्यादा हरिद्वार नेपाल साइड में ग्रोथ होते हैं, हमारा क्लाइमेट में ये ज्यादा ग्रो नहीं होता। और अब लोग हरिद्वार नेपाल में गया, इतना हाइट नहीं है उसी ट्री को, नहीं है, हाँ, नहीं है, क्योंकि हमारा इधर हिल एरिया होते हैं ना, इसलिए तो कोई भी ट्री लगा दो एकदम ऊंचाई पे जाएगा। इसका सीजन सेप्टेम्बर मंथ में, कच्चा होगा तो ग्रीन दिखेगा, पकने के बाद एकदम वायलेट कलर में आएगा, फिर इसका छिलका निकाल के इसका अंदर का सीड ब्राउनिश कलर में होते हैं। तो उसमें एक एक लाइंस होती है, लाइन के अनुसार सब लोग मुखी कहते हैं, एक मुखी दो मुखी ऐसे करके, एक मुखी तो एकदम ओवल शेप में आएगा, वो भी 25 इयर्स के बाद एक ही बार एक ही ट्री में एक ही पीसेस निकलता है। ये बहुत रेयर मिलता है, इसलिए वो मिल गया तो सब लोग लकी मानता है। तो ऐसे वो ओरिजिनल एक मुखी 1 लाख 2 लाख से ऊपर आ जाता है, और बाकी सब इसमें सबसे ज्यादा 5 मुखी निकलता है, क्योंकि इसमें एक मैग्नेटिक पावर होती है, उसके अनुसार सब लोग पॉजिटिव एनर्जी के लिए पूजा पर्पसिंग के लिए सबसे यूज कर देते हैं। इसका मैंने गिरा हुआ कोई दिखा हुआ दिखा दे कोई गिरा हुआ दिखा, हाँ उठा नहीं पाते हैं, इधर आके देख लो उसमें ब्राउन कलर में दिख जाता है। हाँ दिखा दिखा दिखा, तीसरा आंग करके मानता है ना, इसमें आंगों का निशान जैसा डिजाइन भी आते हैं, ये ट्रायंगल शेप दिख रहे हैं ना, हाँ उसके अंदर आंग जैसा आ जाता है, ओनली इसी पोर्शन में नहीं हर जगह में भी, हाँ देखो यहाँ इधर है, ऊपर भी देख लो ऐसे भी जाता है हर जगह में। अभी तो कच्चा है, वो तो पहले साल का गिरा हुआ था, देखो अभी इसी साइज में आ जाते, अभी कच्चा है, ये दिख रहे हैं ना, हाँ ऐसे वाटर एप्पल का आता है ना, ऐसे नॉर्मली पिंक कलर में हर जगह में आता है, तो इधर इधर बहुत वैरायटी सब ग्रीन कलर दिख रहे हैं ना, ये मेहंदी नहीं है, इसको इंडियन डेलियन कहता है, मेनली फॉर द स्किन डिसीजेस के लिए, सोरियासिस फंगल इन्फेक्शन है, इचिंग प्रॉब्लम है, कोई भी तरह का स्किन एलर्जी के लिए यूजबल है, कितना भी पुराना सा सोरियासिस एंड एक्जिमा के लिए भी, कुछ लोगों को धूप में गया तो भी रैशेस एंड इचिंग्स आते, एनी टाइप ऑफ स्किन डिसीजेस के लिए, ओनली लगाने के लिए नहीं है, क्योंकि कुछ ऑयलमेंट वगैरह हमने लगा दी उसी टाइम वो ठीक हो जाएगा, फिर भी हमें वो प्रॉब्लम वापस आ जाती है, क्योंकि ये ऐसे इंडेक भी आ जाती है ब्लड प्यूरिफाई करके वो प्रॉब्लम ठीक करने के लिए। एंड कुछ लोगों को गर्मी के टाइम इंटरनल एरिया में इचिंग से गुजरी आ जाते हैं सेंसिटिव एरिया में, उसमें भी यूज कर सकता है। नहीं है ये कस्तूरी हल्दी, ये देखो उसका रूट है ये वाला, ओनली फॉर द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, कस्तूरी हल्दी लाल चंदन है, नॉर्मल चंदन सब ऐड करके हर्बल फेस पैक बनाने के लिए, से रिंगल्स है पिंबल्स है, पिंबल्स का दाग वगैरह आ जाते हैं वो सब निकालने के लिए एंड नेचुरल क्लैरिटी बढ़ाने के लिए भी सबसे ज्यादा यूजफुल होता है। वो नहीं हनुमान जी ने वाला नहीं हर्बल वाला है। इसके संग बला प्लांट है, जस्टिशिया प्लांट वगैरह ऐड करके मेनली फॉर द आर्थराइटिक्स है, रूमेटॉइड पेन है, नी पेन, जॉइंट पेन, ऐसे एजेड वालों का नी का प्रॉब्लम आते हैं, घुटनों के दर्द आता है, वो प्रॉब्लम ठीक करने, क्योंकि सबको सनलोड फूड खत्म होने की वजह से उठने में बैठने में तकलीफ आते हैं, वो सब ठीक करने के लिए इसका दवा यूज करते हैं। फ्रूट दिख रहे हैं ना छोटा छोटा सा, कौन से ये देखो काला, हाँ, कलर का, हाँ। ये इसका फ्रूट भी यूजफुल है एंड इसका चाल भी निकाल देती है। तो मरसुपिया ट्री मूविला ओरिला सब ऐड करके मेनली फॉर द फैट रिडक्शन, चर्बी घटाने के लिए यूजफुल है। एक महीने के अंदर ही हमारा शरीर से 3 किलो से लेकर 5 किलो तक चर्बी उतर जाएगा, डाइटिंग एक्सरसाइजिंग करने की जरूरत नहीं, ऐसे नहीं है खाकर एकदम लूज मोशन वाला हो गया हम पतला नहीं आ जाएगा, क्योंकि सबका आजी तो दाल में डालते है ना, हाँ वही डाला,
तो ऐसे है कोई भी ट्री हमने तोड़ दिया या काट दिया, व्हाइट कलर का रस निकलता है ना, इसमें येल्लो कलर का गम आ जाता है, वो सुखा के हींग बनाते हैं। ओरिजिनल हींग थोड़ा स्टिकी टाइप में आएगा, उसमें 10% या 20% व्हीट फ्लोर ऐड करेगा, तब तो हमें खड़क हींग एंड पाउडर फॉर्म मिलता है। आपको देख सकता है इसे देखो, नॉर्मली काट दिया तो ज्यादा निकलेगा, ऐसे ये छोटा सा ब्रांच जा रही है ना, उसमें दो पत्ता का बीच में देखो, हाँ वो ही वाला। अच्छा ये दिख रहा है, हाँ 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 देखिए, आ रही हींग, ये सूख गया है, अभी तो सीजन फिनिश हो रही है इसका। ये कच्चा हो गया तो ग्रीन दिखेगा, पकने के बाद तो एकदम येलो कलर में आएगा। काट के इसका अंदर मोटा मोटा सा बीन्स आता है, वो सनलाइट में रखे ड्राई करके फिर मशीन में डाल के ग्राइंडिंग करेगा। ग्राइंडिंग करते थे कोको बटर आंदे कोको पाउडर निकल जाता है। कोको बटर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के लिए, शिया बटर के संग मॉइस्चराइजिंग क्रीम बनाने के लिए भी एंड व्हाइट चॉकलेट बनाने के लिए भी यूज करेगा। कोको पाउडर हमने डायरेक्ट यूज करने से थोड़ा कड़वी लगता है, उसमें शुगर और फ्लेवर ऐड करके डार्क चॉकलेट बनता है, इसलिए सब एरिया में होममेड चॉकलेट ही ज्यादा मिलता है। ये यस, लाल बनाना डायरेक्ट ईटेबल होता है, तो ज्यादा नॉर्मल केला जैसा ज्यादा टेस्टी नहीं आएगा, फिर भी इसका मेडिसिनल वैल्यूज क्या हो जाता था। इसके संग कदली बनाना ऐड किया तो मेनली फॉर द लेडीज का वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम आता है, वो ठीक करने के लिए भी। और इसके संग रेड आमला, वो मैंने आगे दिखा दिया, हाँ। तो रेड आमला सब ऐड करके मल्टी विटामिन के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होता है। इंसुलिन इंजेक्शन तो हॉर्मोन से बनाता है, जाना पहचाने के लिए इंसुलिन प्लांट बोलेगा। इसका ओरिजिनल नाम स्टेप लैडर प्लांट है, नहीं तो कोस्टेस्पा कहते। इसके संग चिरोता गिलोई मैंने क्राउन ऑफ फ्रूट बताया ना, वो रेड कलर का फ्रूट वो सब ऐड करके डायबिटिक्स के लिए मेडिसिन बना देती। हमने इंजेक्शन या टैबलेट यूज किया तो लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खाना पड़ेगा, बट ये लाइफ लॉन्ग यूज करने की जरूरत है। एक बार हमारे बॉडी में बीपी कोलेस्ट्रॉल थायराइड डायबिटिक्स वगैरह हो चुका, कभी भी निकल नहीं पाएगा, तो मेडिसिन से वो कंट्रोल कर देते। इससे है ओनली फॉर द स्टार्टिंग लेवल है, बॉर्डर लेवल है तो 1 मंथ सफिशियंट है। नहीं, ये टैबलेट लेने वाला 1 मंथ टैबलेट के संग चालू रखना, 1 मंथ के बाद 2 महीना अकेला आयुर्वेदिक यूज करना, तीसरा महीने में ये भी स्टॉप हो जाए, फिर नॉर्मल डाइट देखना। बट इंजेक्शन लेने वाला इंजेक्शन सडनली बंद नहीं हो पाता, इंजेक्शन का डोसेज कम हो जाएगा एंड इंजेक्शन की वजह से इनका बॉडी में वो तकलीफ हो जाती है, वो भी एकदम ठीक हो जाता है। ये थोड़ा क्रश करके स्मेल कर लो, अजवाइन का स्मेल आ रहा है, अजवाइन अजवाइन का ओरिजिनल अजवाइन अलग आएगा। ये है तुलसी का प्लांट है। अच्छा। टोटली 17 प्रकार का तुलसी से मेन 5 वैरायटी, राम तुलसी, श्याम तुलसी, कृष्ण तुलसी, अगस्त्य तुलसी, कपूर तुलसी। मैंने पूजा वाला के लिए आपको दिखाया, वो हर जगह में होते, ये अगस्त्य तुलसी स्पेशल वाला होते, अस्थमा, ब्रीथ डिफिकल्टीज, ब्रोंकाइटिस प्रॉब्लम, डस्ट एलर्जी, स्नीसिंग वीसिंग के लिए यूज कर देते हैं। कुकिंग वाला हमने चाय में डालते है ना, वही वाला है, इधर ऊपर तो ये देखो, ये देखो ये वाला जमीन के अंदर पूरा उतर गया। अभी तो नॉर्मल अलावर आपको मालूम होते हैं ना, हाँ। वो अलग आते हैं। ये टोटली इंडिया में टोटली 140 वेराइटीज ऑफ अलोवेरा है। इंडियन अलोवेरा बड़ा वाला साइज में आएगा, वो हर जगह में ग्रोथ होते हैं। ये बायोटिक अलोवेरा स्पेशल वाला है, कुछ लोग डैंड्रफ आते हैं ना, वो प्रॉब्लम ठीक करने के लिए भृंगराज के संग अवेलेबल हो जाता है। नस में नस सड़ जाता है, रात को एकदम क्रैम्प्स लेकर सब ऑयल ऐसे लगा देते हैं, बट वेरिकोस वेन के लिए नीचे से ऊपर उल्टा मसाज कर लेना, ओपोजिट डायरेक्शन में मसाज कर लो, वो प्रॉब्लम एकदम ठीक हो जाता है। ब्रह्मी मेली फॉर द मम्मरी के लिए यूजेबल है। ब्रह्मी के संग इधर ज्यादा पता है, इधर ब्रह्मी के संग जस्ट मदर, शंख पुष्पी, कोको पाउडर सब ऐड करके मेली फॉर द मेमोरी शार्प करना, कॉन्सेंट्रेशन, आई पावर, डिप्रेशन, स्ट्रेस कम करने के लिए, गुस्सा कम करना, एंजाइटी, स्लीप डिसऑर्डर्स, वो सबके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है। वो है बला प्लांट कहता है, पर्पल कलर का लीफ दिख रहे ना, मसल स्ट्रेन है, मल्टी ज्वाइंट पेन्स है, सेलिंग्स है, वो सबके लिए। ये वाला है दालचीनी का ट्री, सिनेमन तज्जी बोलते हैं ना लोग, इसका बड़ा ट्री का छाल यानी छिलका निकाल दिया तो दालचीनी बन जाएगा, इसी का छिलका। यस, दालचीनी भी हमें 2 प्रकार का मिलेगा, ऐसे भी एक लेयर मिलेगा, एक रोल वाला भी मिलता है, हाँ। दोनों अच्छा लगेगा, बट रोल वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड टेस्टी आ जाता है। इसका भी छाल निकाल देते हैं, मेनली फॉर अर्जुन छाल, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए भी एंड हार्ट प्रोटेक्शन के लिए सबसे ज्यादा यूज आए पेलू अर्जुन छाल, प्रोटीन फंक्शन के लिए यूज करेंगे। अब उसे कहते हैं ना, हाँ, बहुत कड़वी लगता है इसका, हाँ। वो बीच में इससे थोड़ा लाइट कलर का ग्रीन पत्ता दिख रहे हैं ना, हाँ, लाइट ग्रीन, हाँ। वो है तेज पत्ता, तमाल पत्र बोलते हैं ना, बेलीफ,
बिरयानी पुलाव वाले में पत्ता आ जाते हैं ना, वही वाला है उसका। सॉरी दिस वन ये छोड़ दिया। ये है जस्टिसिया प्लांट है, नॉर्मली इसको सर्वांगा कहते हैं, सर्व अंग के लिए, यानी ऑल टाइप ऑफ बॉडी पेन, स्पेशली फॉर द स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल प्रॉब्लम, बैक पेन है, डिस्क में गैप है, वो सब के लिए सबसे ज्यादा इसका ऑयल से यूजफुल होता है। ये केशवर्धिनी कहता है, वो भी हेयर ऑयल में यूजबल होता है। हेयर ऑयल यहाँ मिलता होगा ना? हाँ जी जी। और ये देखो, ये है कॉफी का ट्री, बीन्स दिख रहे हैं ना, कॉफी बीन्स। या इंडिया में बहुत प्रकार का कॉफी से, मेनली थ्री वराइटीज, अरबिक, रोबस्टा एंड लाइबेरियन। ये सबसे स्ट्रांग कॉफी होती है अरबिक कॉफी। हाँ। कच्चा होगी तो ग्रीन दिखेगा, पकने के बाद लाल हो जाएगा, तोड़ के धूप में रखे तो ब्लैक हो जाएगा। ये देखो, उसके बाद ये वाला मैंने बोला ना ब्लैक हो जाता है, छिलका निकाल के। ये है कॉफी बीन्स, अभी इसमें स्मेल या फ्लेवर कुछ भी नहीं होता, फिर भी हमने रोस्ट करके रेड, सॉरी ब्राउन कलर में आएगा, फिर ग्राइंडिंग करके पाउडर बना दीजिए। सबको डाउट है इंस्टेंट कॉफी यानी फिल्टर कॉफी में क्या डिफरेंस होती है। ये डायरेक्ट ग्राइंडिंग किया तो फिल्टर हो जाएगा, उसमें चुकुरी और फ्लेवर भी एड करेगा, तब हो गया इंस्टेंट कॉफी। इसलिए ब्रू नेस्कैफे हमने खुला रखो तो खराब हो जाएगा। फिल्टर कॉफी यानी देशी कॉफी अपने कितना साल भी रख लो, एक महीना खुला छोड़ के रख लो, खराब नहीं होता। हमारा बॉडी एनर्जी के लिए फिल्टर अच्छा लगता है, बट ज्यादा टेस्ट के लिए सब लोग इंस्टेंट वाला यूज कर देता है। मेनली फॉर द कॉन्स्टिपेशन है, पाइल्स का प्रॉब्लम, फिस्टुला एंड फिशरीज प्रॉब्लम। किसी को भी कंटिन्यूस कॉन्स्टिपेशन हो गया, पाइल्स का बीमारी स्टार्ट हो जाती है। एक बार हमने ऑपरेशन किया, दोबारा भी आने के चांसेस है। जड़ से वो प्रॉब्लम क्योर हो जाती है, दोबारा आने के चांसेस नहीं आता है। ये अरोमा प्लांट है, बॉडी मसाजिंग ऑयल का वन इंग्रीडियंट है अरोमा। मैंने तो छोटी इलायची ऑलरेडी आपको दिखाया, दूसरे आती ना मोटी इलायची, काला इलायची। हाँ। यही वाला नीचे दिख रहे हैं ना, ये बंच दिख रहे हैं ना, अभी तो फ्लावरिंग टाइम है, वो निकाल के उसका अंदर रेड कलर का ऐसे इलायची आ जाते हैं, वो निकाल के धूप में रखे सुखा देते। ये साल में एक बार आ जाता है, छोटी इलायची साल में चार पांच बार निकल जाएगा, वो तो छोटी इलायची, ये बड़ी इलायची। मैंने आपको उधर भी बोला था, मैंने रेड आंवला के बारे में, यानी रेड बनाना बोल दिया, ये है रेड आंवला, उधर दिख रहे ना ऊपर। रेड आमला, इसके संग ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड करके, मेरे फॉर द मल्टी विटामिन, हीमोग्लोबिन इंक्रीज करने के लिए, एनीमिक प्रॉब्लम ठीक करने के लिए, ब्लड में काउंट बढ़ाना, वो सब के लिए, जनरल टॉनिक जैसा, ऐसे में नॉर्मल चनप्राश वगैरह खाते हैं ना, ताकत बढ़ाने के लिए। आमला ट्री, नॉर्मल आमला तो हर जगह में आते, पता ऐसा अजवाइन खाए या अजवाइन अजवाइन मैरी मेरी सुपारी का ट्री, ये ओरिजिनल वाला में बिल्कुल टेस्ट नहीं आ जाता। कपूर तुलसी, अभी इसमें स्मेल या वगैरह कुछ नहीं है, ये तो हमने पूजा के लिए यूज करते हैं, वो भी कपूर नहीं है, इसका एसेंस निकाल कपूर तुलसी। हाँ, मेनली फॉर द माइग्रेन, अदासीसी का प्रॉब्लम, साइनस का बीमारी, कुछ लोग रात को खराटे करते हैं ना, स्नो वो सब के लिए इसका ऑयल यूज करते हैं। हर फ्लावर में ये बेल जा रही है, वो ट्री नहीं, ये वाला। हाँ। तो हर फ्लावर में मैंने आपसे बोला मधुमक्खी से पोलिनेशन होते हैं। हाँ। इसमें हमने मैनुअल पोले, खुद ही पोलिनेशन कर, वेनिला या उसमें फ्लावर भी दिखा देंगे, इस तरफ आके देख लो फ्लावर, उधर देखो ऐसे फ्लावर आ जाता है, ये दिख रहे हैं ना। हाँ। ऐसे। हाँ। तो वो वाला उसके बीन्स आएगा, वो तोड़ के एक घंटा धूप में रखेगी, बाकी 23 आवर्स हम सन शेड में रखे ड्राई करेगा, ऐसे हमने एक महीना प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, तब तो वो इलास्टिक में स्मेल और फ्लेवर निकलता है। इसलिए वो वेरी कॉस्टली आते, वर्ल्ड में नंबर वन कॉस्टली आइटम इज सैफरॉन, सेकंड वन इज वेनिला। ये है सर्पगंधा, रोल्फिया सर्पेंटिना, मेनली फॉर द हाई बीपी का प्रॉब्लम ठीक करने के लिए। इसका पत्ता भी स्नेक जैसा दिखेगा, इसका जड़ भी एकदम स्नेक जैसा दिखेगा, हाई बीपी के लिए यूज कर देता है। मैंने तो ये ऑलरेडी उधर दिखाया था। बैम्बू ट्री,